हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? भगवान करे आप सभी ठीक हो। तो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ एनसीईआरटी बुक क्लास फर्स्ट और लेसन द बबल द स्ट्रॉ एंड द शू। इसके क्वेश्चन आंसर लाई हूँ आज, है ना। आज हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, नेम द थ्री फ्रेंड्स, बोलते जो इस लेसन में, जिस कहानी में तीन दोस्त थे वो कौन कौन थे, तो इसका आंसर क्या होगा? द थ्री फ्रेंड्स आर द बबल द स्ट्रॉ एंड द शू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड दे गो वन डे, वो एक दिन कहाँ गए? वन वन डे दे वेंट इन टू द फॉरेस्ट, एक दिन कहाँ जाते हैं वो? जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड दे वांट टू डू, और वो क्या करना चाहते थे? ठीक है, दे वांटेड टू क्रॉस द रिवर, वो क्या करना चाहते थे? नदी को पार करना चाहते थे। फिर नेक्स्ट है, हाउ डू यू मेक बबल्स, बोलते आप घर में सभी बबल बनाते होंगे, है ना, कैसे बबल बनाते हैं आप लोग? तो इसका आंसर क्या होगा? आई मेक अ बबल टू मिक्स अ लिक्विड सोप एंड वाटर, ठीक है, सोप और वाटर को मिक्स करके क्या बनाते हैं आप? बुलबुले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट डू यू वेयर ऑन योर फीट, बोलते हैं अपने पैरों में क्या पहनते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? आई वेयर शूज ऑन माई फीट, ठीक है, हम अपने पैरों में क्या पहनते हैं? शूज। फिर है, हाउ वुड यू क्रॉस अ रिवर, आप नदी को पार कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं? ठीक है, तो हम कैसे करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? आई वुड क्रॉस अ रिवर बाय अ बोट, ठीक है, मैं कैसे करती हूँ नदी को पार, या आप लोग कैसे करते हैं? बाय अ बोट, ठीक है, नाव के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुट दीज डूइंग वर्ड्स इन टू द सेंटेंसेस, बोलते ये ऊपर वर्ड दिए हुए आपके पास, ये आपने इन सेंटेंसेस में फिल करने हैं। तो सबसे पहले, द स्ट्रॉ डैश हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर्स, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जो है स्ट्रॉ ने क्या किया था? स्ट्रेच्ड, मतलब वो फैल गया था। स्ट्रेच क्या होता है? फैलना, ठीक है, ये यहाँ से आप यहाँ फिल कर सकते हैं। दूसरा है, द शू डैश ऑन द स्ट्रॉ, फिर जैसे वो स्ट्रेच फैल गया था स्ट्रॉ, ठीक है, तो शू ने क्या किया था? उसके ऊपर जंप किया था, है ना, जंप्ड। आप यहाँ से इसको यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट है, द बबल डैश एंड डैश विद लाफ्टर एंड ब्रस्ट विद अ बिग बैंग, तो जो बबल था, ठीक है, बबल ने क्या किया था? जब वो शू गिर गया था ना पानी में, तो खुद उसका हंस हंस के इतना बुरा हाल हो गया था, ठीक है, कि क्या हो गया था? वो रस्ट हो गया था। शूक एंड शूक क्या होता है? मतलब जोर जोर के, इतना जोर जोर से हंस रहा था कि पूरा हिल गया था, है ना, और फट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस द जर्नी फॉर अ टैडपोल, टैडपोल होता है मेंढक का बच्चा, तो बोलते टैडपोल एक पंडल से, या पंडल से जाता है, पंडल होता है छोटा सा पानी से घिरा हुआ स्थान, है ना, पोखर जिसको हम कह सकते हैं, छोटा सा सबके घरों में बना होता है, देखना बारिश में ज़्यादा बनता है ऐसा, है ना। तो टैडपोल देखो, इसके बोलते ट्रेस करना है आपने, है ना, ये बड़ी नदी में जा रहा तो कैसे जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो आपको देखो डॉट्स दिए हुए, इसके ऊपर से आपने पेंसिल ड्रॉ करनी है। सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा वो? पॉन्ड में, पॉन्ड से जाएगा लेक में, और लेक से जाएगा वो रिवर में, ठीक है। तो बोलते रिवर में क्या बोलता हुआ यहाँ पे, देखो, आई एम फ्रॉग नाउ, ठीक है, आई एम फ्रॉग नाउ, वो क्या करेगा यहाँ से ऐसे करके जाएगा, है ना, और फिर यहाँ पे पहुँच जाएगा। जब रिवर रिवर में पहुँचेगा तो क्या बोलता है वो? आई एम फ्रॉग, पॉन्ड होता तालाब, लेक होती झील, फिर उसके बाद बड़ी नदी में चला जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बोला है, ड्रॉ अ बबल्स ट्रेस एंड से द लेटर अलाउड, बोलते हैं यहाँ पे अल्फाबेट लेटर लिखे हुए हैं, इनको ट्रेस करना, इनके ऊपर है ना जो डॉट दिए, इनके ऊपर पेंसिल से आपने ट्रेस करना है, फिर जोर जोर से पढ़ना है आपने।
ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हेन, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द बॉल्स विद देयर नंबर, नाउ ट्रेस द नंबर। यहाँ पे नंबर लिखे हुए 8, 10, 7 एंड 9। आपने क्या करना है, बॉल्स को काउंट करना है, उनके साथ मैच करना है। जैसे मैंने किया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 के साथ इसको मैच कर दिया। इस तरह से आपने सभी करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुक एट दीज ऑब्जेक्ट, पुट देम इन टू अ टब ऑफ वाटर, से विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक। बोलते हैं इन चीज़ों को देखो जो नीचे दी हुई है, तो इनमें से कौन कौन, जब आप इनको पानी के टब में डालेंगे तो इनमें से कौन कौन डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा, और कौन कौन फ्लोट करेगा। फ्लोट का मतलब तैरना। तो रिवन है, देखो इसको पानी के टब में डालेंगे तो क्या होगा, ये फ्लोट होगा। फेदर है, पंख, ये भी फ्लोट, लीफ भी फ्लोट हो जाएगी, पेपर भी फ्लोट हो जाएगा, और स्ट्रॉ भी फ्लोट हो जाएगी। बाकी उनका वेट भारी है तो ये क्या हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे। मार्बल सिंक हो जाएगा, लीफ सिंक हो जाएगा, स्टिक सिंक हो जाएगी, ठीक है, और स्पून भी सिंक हो जाएगी, शूज भी सिंक हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, कलर द वेल, ड्रॉ द वेल, कलर इट एंड से द राइम वर्ड। तो आपने इसको जो है कलर करना है, ठीक है, और पहले इनको ड्रॉ करना है, जो डॉट्स दिए हुए इनको ड्रॉ करना है, पेंसिल से ट्रेस करना है, फिर इसके बाद क्या करना है, आपने कलर करना है, फिर आपने यहाँ पे राइम दी हुई है इनको रीड करना है। जैसे अ बेल फेल इन द वेल, डिंग डोंग बेल, अ बेल फेल इन द वेल, डिंग डोंग बेल। ठीक है, तो ये था आपका लेसन, ये थी आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गई है, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो सबने मेरे इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके साथ ही थैंक यू, बाय बाय।